मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में बयानबाजियों का दौर जारी है। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर के बाद अब प्रद्युम्न सिंह लोधी का बयान सामने आया है। छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा विधानसभा सीट से मैदान में उतरे भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी ने भगवा और साधु संतों को लेकर विवादित बयान दिया है। लोधी का मानना है कि भगवा पहन लेने से कोई संत नहीं बन जाता। इसके साथ ही लोधी ने कंप्यूटर बाबा और मिर्ची बाबा का उदाहरण भी दिया है। भगवा पहनने से, मैं बार बार कहता हूँ कि भगवा पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। कंप्यूटर बाबा घूम रहे हैं, मिर्ची बाबा घूम रहे हैं, तो बहुत से बाबा घूम रहे हैं, सब संत थोड़े ही हैं, सब साधु थोड़े ही हैं। ऐसा भगवा के वेश में बहुत से लोग अब जानते हैं क्या क्या हो जाता है, इसलिए मैं ज्यादा उसमें कुछ बोल।